नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के वर्गीकरण को समझेंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले जातक को कौन से रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ माना गया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि तथा मीन राशि इन दोनों राशियों में विराजमान है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण कुंभ राशि में स्थित होता है तथा इस नक्षत्र का चतुर्थ चरण मीन राशि में स्थित होता है। कुंभ राशि में 20 अंश से लेकर 30 अंश तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है और मीन राशि में 0 अंश से 3 अंश 20 कला तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण होता है। अर्थात यदि आप कुंभ राशि के हैं और आपका चंद्रमा की डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है तो आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय चरण के जातक हैं। उसी प्रकार यदि आपकी मीन राशि है और चंद्रमा की डिग्री 0 डिग्री से लेकर 3.2 डिग्री तक है तो आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातक हैं। आइए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के वर्गीकरण को समझते हैं, अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस नक्षत्र को मंच से दर्शाया गया है तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति देवता अजपात देवता माने गए हैं तथा इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह माने जाते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कुल 2 ताराएं हैं और यह एक उग्र संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्रों के कुल 6 प्रकार के स्वभाव माने गए हैं, उसमें से एक स्वभाव उग्र संज्ञक स्वभाव है जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। नक्षत्रों का वर्गीकरण हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। नक्षत्रों के गुण स्वभाव, इनके धर्म के आधार पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर नक्षत्रों को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। नक्षत्रों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और उसे ही नक्षत्र वर्गीकरण कहते हैं। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर बहुत ही विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, कृपया इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक मनुष्य गण का नक्षत्र होता है और इसकी योनि सिंह योनि होती है। इस नक्षत्र का नाड़ी आदि नाड़ी है और यह एक पुल्लिंग संज्ञक नक्षत्र है। आकाशमंडल में यह उत्तर दिशा में उदित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के कुछ वर्गीकरण के ऊपर बात किया। इसी प्रकार नक्षत्रों के कई प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं, इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। उसे और गहन रूप से समझने के लिए तथा उसकी उपयोगिता को लेने के लिए अतः आपको अवश्य ही मेरा नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आइए बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले जातक के क्या क्या स्वभाव होते हैं। फलादेश स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ जो भी फलादेश बतलाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित है। जन्म नक्षत्र का अर्थ है आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में थे वह आपका जन्म नक्षत्र होता है और चंद्रमा आपके मन, इमोशन, फीलिंग, आपके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली प्रभावित करता है और यही कारण है कि किसी भी जातक का स्वभाव उसके नक्षत्र के ऊपर सर्वाधिक आधारित रहता है। पर किसी भी जातक के संपूर्ण स्वभाव को समझने के लिए जातक के जन्म नक्षत्र, जन्म योग तथा जन्म करण इन तीनों को देखना अति आवश्यक है। इन तीनों का जो समावेश फल होगा वही जातक का संपूर्ण स्वभाव, संपूर्ण पर्सनालिटी को दर्शाने वाला होगा। जन्मकालीन योग और जन्मकालीन करण के वीडियो को देखने के लिए आप पॉपअप वीडियो फॉलो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले पुरुष के क्या स्वभाव होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष एक उदार चरित्र वाले जातक होते हैं तथा ऐसे जातक के मन में सदैव किसी न किसी प्रकार का संकोच लगा रहता है, किसी प्रकार का हेजिटेशन उनके मन में रहता है। ऐसे जातक इमोशनल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, भावुक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तथा
किसी भी स्त्री के वश में बहुत ही सहजता से आ जाते हैं। ऐसे जातक के अंदर धन कमाने की चतुराई भरी होती है। बड़े समझदार व्यक्ति होते हैं, सोच समझकर किसी भी कार्य को करने वाले तथा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ऐसे जातक अक्सर अपने बल बूते पर ही कुछ ना कुछ बनते हैं, किसी भी बड़े चीज को प्राप्त अपने बल बूते पे ही करते हैं। लोभ और क्रोध के कारण आपको अनेक बार हानि उठानी पड़ती है। आप तार्किक व्यक्ति हैं, लॉजिकल व्यक्ति हैं तथा किसी भी चीज को मानने के लिए, समझने के लिए तर्क की आवश्यकता आपको होती है। आपको सदैव भोग में रुचि रहती है तथा सामाजिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे जातक सभी प्रकार के कार्य में कुशल होते हैं, घरेलू कार्य में भी कुशल होते हैं तथा अपने जीवन में धन और ऐश्वर्य को भोगने वाले होते हैं। आइए बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की स्त्रियां किस स्वभाव की होती हैं। ऐसे स्त्रियां शर्मिली या फिर लजालू स्वभाव की होती हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मी हुई स्त्री बहुत ही चतुर तथा अपने पति को वश में रखने वाली होती हैं। ऐसी जातिका लोभ एवं संदेह के कारण मानसिक कष्टों को भोगती हैं, मानसिक कष्ट से ग्रसित रहती हैं, क्योंकि इनके मन में सदैव किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी रहती है। अपने संदेह के कारण तथा लोभ के कारण, तृष्णा के कारण भी कष्ट को प्राप्त करती हैं। आप एक सुगृहिणी स्त्री रहेंगी तथा घूमने फिरने की शौकीन भी हैं। आप तार्किक हैं, आपके अंदर भी लॉजिकल स्किल्स है, लॉजिकल स्किल्स से ही आप काम करती हैं, किसी भी चीज़ को समझती हैं। ऐसी जातिका उदार हृदय की होती हैं तथा इमोशनल भी होती हैं, बहुत ही भावुक स्वभाव की होती हैं किसी के ऊपर भी, इसीलिए इन्हें बहुत ही जल्दी दया और वात्सल्य आ जाता है। किसी भी कार्य को सोच समझ कर करने वाली होती हैं, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर रुचि लेती हैं, हिस्सा लेती हैं और लोग इन्हें एक प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। आइए बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले जातक को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। आप पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं, आप दोनों को ही सेम रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति ग्रह माने गए हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण कुंभ राशि में स्थित है। इसलिए इन तीन चरणों वाले जातक को असली नेपाली 14 मुख्य रुद्राक्ष तथा 5 मुख्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो चतुर्थ चरण के जातक हैं उन्हें सदैव 5 मुख्य रुद्राक्ष धारण किए रहना चाहिए। ऐसे जातक को 5 मुख्य रुद्राक्ष का माला धारण करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। नेपाली माला आप धारण कर सकते हैं। इन रुद्राक्षों को धारण करने से नक्षत्र जनित तथा उस राशि जनित जो भी समस्याएं हैं वो सभी समाप्त होंगी तथा बृहस्पति और शनि ग्रह दोनों ही अनुकूल होंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।